हाय गाइस, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन द लास्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म प्रेसिपिटेट। इन दिस कंटेंट्स इज फर्स्ट वन इज मोहर्स मेथड, सेकंड वोलार्ड मेथड, थर्ड मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, फोर्थ फिफ्थ फैजांस मेथड एंड लास्ट एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक। इस टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन the titrant react with analyte and form an insoluble substance called precipitate। analyte और titrant के बीच में reaction के बाद precipitate का formation होता है। precipitate जो बनता है वो insoluble in nature होता है। it continue till the last amount of analyte is consumed। एनालाइट जब तक पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए तब तक प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन चलता रहता है। तो इसमें सबसे पहले टाइट्रेंट और एनालाइट के बारे में बताते हैं। टाइट्रेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन हमें वेल नोन होती है और इसे हम ब्यूरेट में फिलअप करते हैं। एनालाइट वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती, उसको हम डिटरमाइन करने वाले होते हैं, लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेनली यूज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। सिल्वर नाइट्रेट को हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट करते हैं। जिस भी प्रेसिपिटेशन टेक्निक में AgNO3 का यूज किया जाता है उस टेक्निक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। टाइट्रेशन इन विच यूज सिल्वर नाइट्रेट एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज कॉल्ड एज अर्जेंटीमेट्रिक टाइट्रेशन। एप्लीकेशन इसके क्या हैं? इट इज यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन सिंगली आर इन अ मिक्सचर बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर साल्ट। इस मेथड में हैलोजन्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, साइनाइड और थायोसाइनाइड आल्सो डिटरमाइन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज दैट द क्वांटिटी ऑफ द एडेड प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट आर प्रेसिपिटेंट इज इक्विवेलेंट टू द सब्सटेंस बीइंग प्रेसिपिटेटेड। क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होती है उसकी क्वांटिटी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द जिस सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन होना होता है। मींस बोले तो एनालाइट के सब्सटेंस जो एनालाइट है उसकी क्वांटिटी के बराबर ही होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा चलेगा लेकिन उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आर मेनली बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है? सॉल्युबिलिटी या प्रोडक्ट पर। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी या प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट है? प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है टेम्परेचर। विथ इंक्रीज टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी या प्रेसिपिटेट इंक्रीज। क्या है, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट बढ़ने लगता है। प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। एग्जाम्पल AgCl सिल्वर क्लोराइड 10 डिग्री टेम्परेचर पर 1.72 मिलीग्राम पर लीटर है इसकी सॉल्युबिलिटी। यदि यही टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया जाए तो यह 21.1 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। BaSO4 एट 10 डिग्री एंड 100 डिग्री, 10 डिग्री पर 2.2 मिलीग्राम पर लीटर है, 100 डिग्री पर 3.9 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक, 10 डिग्री पर 2.2 मिलीग्राम पर लीटर है, 100 डिग्री पर 3.9 मिलीग्राम पर लीटर है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट।
Solubility of inorganic salt is reduced by addition of organic solvent such as ethanol, methanol, propanol and acetone. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल होता है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड एसीटोन। यदि कोई इनऑर्गेनिक साल्ट है, यदि उसका सॉल्वेंट जिसमें वो है उसका मीडियम, सराउंडिंग मीडियम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती है। यदि उस सॉल्वेंट की जगह पर वाटर ले लिया जाए, तो वहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ आयन ऑफ साल्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर में डाइपोल मोमेंट का नेचर होता है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट विल बी इंक्रीज बाय डिक्रीज इन पीएच इफ द एनायन ऑफ साल्ट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। यदि साल्ट का जो एनायन वाला पार्ट है वो उसका वो कंजुगेट बेस हो वीक एसिड का, तब पीएच यदि एसिडिक रीजन में होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ एसिड। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड इज अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ एसिड। कह रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट है यदि वो वीक एसिड है तो वो एडिशन ऑफ एसिड पर वो अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन आयन ऑफ एडेड एसिड कंबाइन विद द एनायन ऑफ द साल्ट एंड फॉर्म वीक एसिड, देयर बाय इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट। यदि कोई हाइड्रोजन आयन बोले तो एसिड को आप एडिशन कर रहे होते हैं, तो जो एच प्लस होता है वो साल्ट के एनायन वाले पार्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के साथ साथ वो जो साल्ट है उसका अस्तित्व तो समाप्त हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है, वो डिजॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है यदि कोई साल्ट है जिस आप उसमें एसिड ऐड करते हो तो उसके सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रेसिपिटेट अपॉन एडिंग एक्सेस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। सॉल्युबिलिटी द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी या प्रेसिपिटेट, यदि प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है करना है तो अपॉन एडिंग एक्सेस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। देखिए क्या, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ यदि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो यदि आप उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट और ऐड करोगे तब उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा। मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट डिटेक्शन मेथड थ्री मेन प्रोसीजर्स आर वाइडली यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। दीज आर फर्स्ट मोहर मेथड, सेकेंड वोलार्ड मेथड, थर्ड फैजान मेथड। सबसे पहले देखते हैं मोहर्स मेथड। कार्ल फ्रेंडरिच मोहर्स ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है, इन्हीं के नाम पर मोहर मेथड आया क्योंकि इस टेक्निक का यूज इन्होंने सबसे पहले किया था। अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच सिल्वर आयन इज यूज्ड एज टाइट्रेंट एंड क्रोमेट आयन एज इंडिकेटर इज कॉल्ड मोहर मेथड। मोहर मेथड में क्या होता है, सिल्वर आयन का टाइट्रेशन करना है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करना है, तो सिल्वर आयन को टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं और क्रोमेट आयन को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलाइट आयन। यह मेथड किसके लिए अप्लीकेबल है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, वो भी किसके, हैलोजन के। इन दिस मेथड सोडियम क्लोराइड टाइट्रेट्स विद सिल्वर नाइट्रेट एज द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज स्लोली एडेड टू अ सोडियम क्लोराइड अ प्रेसिपिटेट अ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। क्या है, सोडियम क्लोराइड का हम सोल्यूशन बनाते हैं जिसको कॉनकर फ्लास्क में लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हम ब्यूरेट में रखते हैं, तो ड्रॉप वाइज हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड में, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सिल्वर क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट होता है, वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। नीचे रिएक्शन दी गई है AgNO3 + NaCl- NaCl।
तो जो AgNO3 है ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये किस में फिलअप है, ब्यूरेट में, NaCl, इसका कंसंट्रेशन है नोन नहीं, इसी का ही एनालिसिस करनी है। इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लिए तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला AgCl। द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन अकर व्हेन ऑल द क्लोराइड आयन आर प्रेसिपिटेटेड, देन एडिशनल सिल्वर आयन रिएक्ट विथ क्रोमेट आयन ऑफ द इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट टू फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट। इसमें क्या है, जब पूरी तरीके से क्लोराइड ख़त्म हो जाता है, सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है, अब तो रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि क्लोराइड पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब जो नया सिल्वर आयन नीचे आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर के साथ। वो इंडिकेटर कौन सा है, पोटेशियम क्रोमेट। फिर नीचे वो रिएक्शन दी गई है, AgNO3 K2CrO4, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, इसके साथ रिएक्ट करता है, बना क्या बनाएगा, सिल्वर क्रोमेट, Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। लिमिटेशन ऑफ मोहर्स मेथड, अलाउेबल pH रेंज इज 6.5 to 10। इसमें pH कितनी होनी चाहिए, 6.5 to 10 होनी चाहिए। बिलो pH 6.5 देयर इज इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। यदि 6.5 से pH वैल्यू इसकी कम है तो जो सिल्वर क्रोमेट बनेगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एबव pH 10 द एंड पॉइंट कम्स टू लेट एंड सिल्वर हाइड्रॉक्साइड इज आल्सो प्रेसिपिटेड। यदि pH 10 से ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, एंड पॉइंट जो है वो लेट आएगा और साथ में सिल्वर हाइड्रॉक्साइड भी प्रेसिपिटेट होने लगता है। फोर्थ पॉइंट, इफ द सोल्यूशन इज अल्कलाइन मेक इट एसिडिक विथ नाइट्रिक एसिड देन न्यूट्रलाइज इट बाई एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट और बोरेक्स। यदि सोल्यूशन अल्कलाइन है, अल्कलाइन बनाना है, अल्कलाइन मेक इट एसिडिक विथ नाइट्रिक एसिड, तब इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे, फिर वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बोरेक्स को ऐड करेंगे। इफ एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ अमोनियम साल्ट आर प्रेजेंट द pH शुड नॉट एक्सीड 7.2। यदि अमोनियम साल्ट प्रेजेंट है तो pH 7.2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन रिवर्स टाइट्रेशन आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड। रिवर्स टाइट्रेशन में आयोडाइड और ब्रोमाइड का टाइट्रेशन नहीं होता। वोलार्ड मेथड, जैकब वोलार्ड, इन्होंने इस टेक्निक को इवॉल्व किया। अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच सिल्वर आयन इज प्रेसिपिटेटेड बाई थायोसाइनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन इंडिकेटर इन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड वोलार्ड मेथड। इसमें सिल्वर आयन का टाइट्रेशन करना है और इसमें जो टाइट्रेंट की तरह यूज किया जाएगा वो थायोसाइनेट आयन है और इंडिकेटर जो होगा वो फेरिक आयन है और इसका मीडियम एसिडिक होना चाहिए। मतलब टोटल मिला के ये बात है, तो थायोसाइनेट आयन है उसको हम ब्यूरेट में रखेंगे क्योंकि उसका स्टैंडर्ड हमें पता है, और जो सिल्वर है आयन, सिल्वर आयन उसका हमें कंसेंट्रेशन पता करनी है, उसे हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और इंडिकेटर या फिर +3 लेंगे और साथ में उसका मीडियम एसिडिक होना चाहिए। दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन आर कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन। Ag+ की भी कंसंट्रेशन और हैलाइड का भी कंसंट्रेशन हम पता कर सकते हैं। इन दिस मेथड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड एट द एंड पॉइंट। इस मेथड में अंत में कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सिल्वर आयन इज टाइट्रेटेड विथ थायोसाइनेट इन एन एसिड सोल्यूशन यूजिंग फेरिक आयन एज एन इंडिकेटर। सिल्वर आयन इज टाइट्रेटेड विथ थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के थ्रू हम सिल्वर आयन को टाइट्रेट करेंगे कहाँ पर, एसिडिक सोल्यूशन में, और इंडिकेटर की तरह किसको यूज करना है, फेरिक आयन को। नीचे रिएक्शन दी गई, Ag+
एक्वास प्लस एस सी एन माइनस एक्वास एरो ए जी एस सी एन सॉलिड। जब सिल्वर आयन रिजेक्ट करता है थायोसाइनेट आयन के साथ फॉर्म होता है सिल्वर थायोसाइनेट का पीपीटी। इनिशियली सिल्वर थायोसाइनेट इज प्रेसिपिटेटेड आफ्टर द इक्विवेलेंट पॉइंट व्हेन नो एजी प्लस इज प्रेजेंट द एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट एडेड रिएक्ट विथ Fe प्लस थ्री टू गिव रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट। ये कह रहे हैं शुरुआत में सिल्वर थायोसाइनेट तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसके बाद में जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तब क्या होता है कि मीडियम में Ag प्लस नहीं रहता है। अब क्या होगा, जो एक्सेस में थायोसाइनेट आएगा और वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Fe प्लस थ्री के साथ, तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा फेरिक थायोसाइनेट जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। नीचे रिएक्शन है Fe प्लस थ्री एक्वस प्लस एस सी एन माइनस एक्वस एरो Fe एस सी एन का होल ट्वाइस एक्वस। ये कह रहे हैं फेरिक थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। Fe प्लस थ्री रिएक्ट किए किसके साथ, थायोसाइनेट के साथ। मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड वेल्स मेथड। इसे हम कोल्ड वेल्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, स्पेशली NaCl और KCl आर डिटरमाइन। इसमें हम NaCl और KCl का डिटरमिनेशन करते हैं स्पेशली। इन केस ऑफ क्लोराइड इट इज यूजुअल टू फिल्टर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आर कोएगुलेट डी प्रेसिपिटेट बाय मीन्स ऑफ आइदर डाई ब्यूटाइल थाइलेट प्रीफर्ड आर नाइट्रोजन बेंजीन। ये कह रहे हैं कि इस क्लोराइड के केस में यूजुअली हम तो फिल्टर करते हैं किसको, सिल्वर क्लोराइड को, या फिर कोएगुलेट प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ डाई ब्यूटाइल थाइलेट के साथ इसको हम रिकवर मतलब रोक देते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट करा देते हैं ताकि उसको कवरिंग कर दिया जाए। द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज बैक टाइट्रेटेड विथ पोटेशियम और अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग फेरिक एलम एज इंडिकेटर। जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट है वो बैक टाइट्रेट किया जाता है किसके साथ, पोटेशियम या फिर अमोनियम थायोसाइनेट, तो उसमें फेरिक एलम को यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर। द नाइट्रोबेंजीन आर डाइब्यूटाइल थाइलेट इज एडेड टू कोएगुलेट द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। नाइट्रोबेंजीन या डाइब्यूटाइल थाइलेट जो होता है उसको ऐड करते हैं किसको, कोएगुलेट कराने के लिए, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट को, सो दैट इट विल नॉट इंटरफेयर विथ द टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब यह किसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, टाइट्रेशन में अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। बाय फॉर्मिंग अ लेयर ओवर सिल्वर क्लोराइड एंड दिस अवॉइड द नीड फॉर फिल्ट्रेशन। अब इसके चारों तरफ सिल्वर क्लोराइड के चारों तरफ इसकी एक लेयर बन जाएगी तो अब हमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें बात यह होती है, जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो HgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है यदि मीडियम में पड़ा रहेगा, तो उसके लिए या तो हम फिल्टर करके HgCl को निकाल लें या फिर उसको हम किसी एजेंट के थ्रू मास्क कर दें। तो जो डाइब्यूटाइल थैलेट है उसके थ्रू हम उसको मास्क कर देते हैं तो हमें यहाँ पे फिर फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह बैक टाइट्रेशन पर डिपेंड रहता है। बैक टाइट्रेशन का मतलब ये होता है किसी प्राइमरी कंपाउंड का कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं, उसकी जानकारी ले लेते हैं, उसके थ्रू हम दूसरे कंपाउंड या दूसरे अननोन सैंपल का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट। फैजांस मेथड को सबसे पहले देखते हैं, के जी मेज फैजांस ने ही इवॉल्व किया था, ठीक है, कौन, के जी मेज ने इसको इवॉल्व किया। द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच सिल्वर आयन इज टाइट्रेटेड विथ
हैलाइड आर थायोसाइनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ एडसॉर्प्शन इंडिकेटर इज कॉल्ड फैजांस मेथड। इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर आयन को हम टाइट्रेट करते हैं हैलाइड या फिर थायोसाइनेट आयन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एडसॉर्प्शन इंडिकेटर। ठीक है, इन दिस मेथड दिस जनरली यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलाइड आयन एंड थायोसाइनेट। इसमें भी हम बेसिकली हैलाइड या थायोसाइनेट की क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फैजान मेथड इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के एडसॉर्प्शन पर बेस्ड है फैजान मेथड। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर आर एब्जॉर्ब बाई ए प्रेसिपिटेट एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज अकर इन द इंडिकेटर विच लीड टू अ सबस्टांस ऑफ डिफरेंट कलर, हेंस दे आर टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर एब्जॉर्ब होता है प्रेसिपिटेट पर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन चेंज अकर्स, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान कुछ चेंज होते हैं इंडिकेटर में, विच लीड्स टू सबस्टांस ऑफ डिफरेंट कलर, जिसके साथ सबस्टांस दूसरे कलर में चेंज होता है। हेंस दे आर टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इसलिए इसको टर्म दिया गया एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर का। एग्जाम्पल क्या, फ्लोरेसेंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एडजॉर्ब्ड टू द सर्फेस ऑफ कोलोइडल एजीसीएल आफ्टर आर क्लोराइड इज यूज, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ एज प्लस विल रिएक्ट विथ फ्लोरेसिन फॉर्म ए रेडिश कलर। ये कह रहे हैं फ्लोरेसिन या फिर इसी की तरह और सारी डाई होती हैं जो कि एजीसीएल कोलोइडल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं और वो और सभी क्लोराइड जब इसके बाद यूज होते हैं तो जो पहला ड्रॉप एजी प्लस का होता है वो फ्लोरेसिन डाई के साथ रिजेक्ट करता है और वो रेडिश कलर का फॉर्मेशन करता है, एजी प्लस एफ एजीएफ का फॉर्मेशन होगा। एजीएफ का मतलब होता है फ्लोरेसिन, आई का मतलब इंडिकेटर। ठीक, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर कलर चेंज फ्री टू एडजॉर्ब और एप्लीकेशंस। तो इसमें इंडिकेटर हैं फ्लोरेसेंस है, ईवोसिन डाईडोमिथाइल फ्लोरेसिन और डाईक्लोरो फ्लोरेसिन। सबसे पहले फ्लोरेसिन जो होता है, यदि फ्लोरेसिन फ्री अमाउंट में है तो वो येलो ग्रीन कलर का रहेगा और एडजॉर्ब हो जाएगा तो वो पिंक कलर ले लेता है। तो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, आल हैलाइड के लिए, पीएच 7 to 10 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ईवोसिन डाई जो है वो फ्री रहती है तो पिंक की कलर की रहेगी और यदि एडजॉर्ब हो जाएगी तो रेड वायलेट में चेंज हो जाती है, ये अप्लीकेबल है। सैंपल मस्ट नॉट कंटेन क्लोराइड, पीएच 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, डाईडोमिथाइल फ्लोरोसिन जो होती है वो ऑरेंज रहेगी फ्री में, जब एडजॉर्ब हो जाएगी तो ब्लू कलर ले लेती है, ये अप्लीकेबल है। आयोडीन ओनली पीएच 4 to 7। डाईक्लोरोफ्लोरोसिन फ्री रहती है तो येलो ग्रीन कलर की रहेगी, यदि एडजॉर्ब हो जाएगी तो ये रेड कलर की हो जाती है, ये अप्लीकेबल है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन पीएच 4 to 7 होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड, कंपैरिजन करते हैं, मेथड है, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। मेथड में पहला मेथड मोहस, एडवांटेज इसका सिंपल है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ एल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉट सूटेबल फॉर आयोडीन, आयोडीन के लिए सूटेबल नहीं है, रिक्वायर्स अ ब्लैंक। फैजांस मेथड एडवांटेज में क्या, कैपेबिलिटी फॉर डिफरेंट पीएच रेंजेज एंड सेलेक्टिविटी विथ डिफरेंट इंडिकेटर। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट पीएच पर, डिफरेंट पीएच रेंज पर इनकी सेलेक्टिविटी जो इंडिकेटर क्या होता है वो अलग अलग होता है। डिफिकल्ट डिसएडवांटेज में डिफिकल्टी विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसके साथ प्रॉब्लम आती है। शुड नाट बी हाई बैकग्राउंड आयनिक लेवल, इसका जो बैकग्राउंड होता है उसमें ज़्यादा आयनिक लेवल नहीं होना चाहिए। वोलाड में एडवांटेज कैपेबल ऑफ डायरेक्ट सिल्वर एंड इनडायरेक्ट हैलाइड एनालिसिस, इसका एडवांटेज ये है कि ये सिल्वर और हैलाइड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से
एनालिसिस कर सकते हैं। वेरी क्लियर कलर चेंज, इसमें कलर चेंज क्लियरली शो होता है। डिसएडवांटेज, मस्ट बी वन मोलर नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, एक मोलर नाइट्रिक सोल्यूशन होना जरूरी होता है। सम प्रॉब्लम्स विथ स्पेसिफिक एनायन, कुछ आयन के साथ इसमें प्रॉब्लम आती है। लिमिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइटेशन, अ फ्यू नंबर ऑफ आयन सच एज हैलाइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन कैन बी टाइट्रेटेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड, को प्रेसिपिटेशन में भी अकर्ड, को प्रेसिपिटेशन भी संभव है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द इन पॉइंट, हो गया समझ।